ये टीचर जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रही होती है तभी शरारती लड़की जो टीचर के सर पे एक चोक मारती है। टीचर पीछे मुड़ के देखती है लेकिन उसे नहीं मालूम कि आखिरी चोक किसने मारा। जब ये टीचर दोबारा से अपना चेहरा आगे कर लेती है तो ये लड़की दोबारा से टीचर के सर पे एक चोक मारती है लेकिन टीचर को अभी पता नहीं चलता कि आखिर जब किसने मारा है। अब टीचर जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने का नाटक करती है वो तेजी से जब अपना सर पीछे की तरफ करती है और वो उस लड़की को जो चोक फेंकते हुए जब पकड़ लेती है। वो उस लड़की को जब ब्लैक बोर्ड के सामने आने कहने लग जाती है ताकि वो इसके ऊपर काफी सारे चोक मार सके। लेकिन इस लड़की के पास एक ऐसा भूत होता है जिसे सिर्फ वो ही देख सकती है। टीचर इस लड़की के ऊपर चोक मारती है लेकिन ये भूत जो उस लड़की को चोक लगने से बचा लेता है। अब टीचर को ये देख के काफी गुस्सा आ जाता है और वो लगातार लड़की के ऊपर जो काफी सारे चोक फेंकने लग जाती है। लेकिन इस लड़की के सामने जो भूत होता है वो उन सारे चोकों को जो लड़की को लगने से बचा रहा होता है वो भी अपने हाथों से। जब टीचर लगातार इस लड़की के ऊपर चोक फेंक रही होती है तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जो कि टीचर को चोक फेंकते हुए देख लेता है। वो टीचर से पूछा कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो। टीचर प्रिंसिपल को बताते कि इस लड़की ने मुझे पहले चोक मारा। लेकिन क्लास में मौजूद सभी लड़कियां जो टीचर के खिलाफ जो अपनी गवाही देने लग जाती है